अरे अपने भैया 1 करोड़ रुपया सरकार देती है हमारी। सबसे महंगा हो गया तेल। आपको क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? सामान्य नागरिक के नाते सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हर मुद्दों पर हमें परेशानियां झेलनी पड़ी है, लेकिन पेट्रोल की एक समस्या है। एक तो दिन मगर क्या आपकी हमारी आमदनी डबल का नाम बताइए। मैं अदिति चक्रवर्ती हूँ। क्या कहेंगे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से बांद्रा में आंदोलन किया जा रहा है, कैसे? यस, ये आंदोलन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है। इंडिया में इतनी परेशानी है लोगों को, अभी कोविड टाइम चल रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कुछ बोल नहीं पाते हैं बेचारे, इतने ठंडे पड़ गए हैं लोग, बताइए क्या करना चाहिए। आप कैसे, अभी दिवाली आ रही है, लोगों जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे देखते आप? दिवाली नहीं, अब सबका दिवाला निकल रहा है, कैसे दिवाली मनाएंगे आप बताइए। ये मोर्चा जो है अपने कहाँ से कहाँ तक निकल रहा है? बस बांद्रा से निकाला है, माहिम तक जा रहे हैं। लोगों को दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है देश में। ये पेट्रोल और डीजल के भाव जब पहली सरकारों के टाइम पे होता था, तब लोग बीजेपी के लोग सड़क पर सिलेंडर लेके उतरते थे और उनके विरुद्ध बातें करते थे। आज कहाँ है वो लोग? आज क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं बोल रहे कि लोगों के ऊपर महंगाई कितनी डस रही है? आज आवाज उठाओ। आम आदमी जो है वो दिन ब दिन भ्रष्टाचार और जो महंगाई है उसमें ये मारा जा रहा है, कैसे देखते हैं? आधे से ज्यादा तो मर चुके हैं कोरोना से, गलत दवाइयों से, हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार से। क्या लोगों को पैसे देने के लिए नहीं थे? क्या करते वो? आज इस महंगाई में कोई जी पा रहा है? चुपचाप सब अपने अपने घरों में मर रहे हैं, कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी की तरफ से कैसे आगे वाला रास्ता होगा? बस हम आप देख रहे हो हम कैसे जुड़े हुए हैं। ये मौका मिला है लोगों को जागरूक करने का कि आप लोग आओ, हमारा साथ दो और देखो हम कैसे देश बदलते हैं। आप आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा निकाला गया, आप कैसे देखते हो? आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही है, सारी जनता को सुविधाएं, स्कूल, हेल्थ और जो बस सफर जो है, इतनी सारी सुविधाएं, उससे ज़्यादा कहीं तीर्थ यात्रा जो है वो सब फ्री में करवा रही है। ये आंदोलन करने का मतलब यही है कि पेट्रोल और डीजल जो कि मूलभूत जो है अधिकार है लोगों का, खाने का जो सामान है, वो इसके आधार पे इतना दाम बढ़ते जा रहा है। तो सरकार ने ये महंगाई को कम करने के लिए आंदोलन है, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई ये पेट्रोल और डीजल के बाद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे खाना पीना रहना सोना हर चीज़ जो है महंगा होते जा रहा है, खास करके बच्चों को जो है हेल्दी फूड जो मिलना चाहिए, हरी सब्जी जो है वो महंगाई से बढ़ती जा रही है। तो हरी सब्जी कौन कैसे खिलाएगा एक साधारण आदमी, तो कैसे स्वस्थ हमारे बच्चे पैदा होंगे? माल न्यूट्रिशन का आंकड़ा जो है सरकार ने बंद कर दिया है, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, बच्चे जो है हमारे माल न्यूट्रिशन से मरने के लिए मजबूर। तो आगे वाला रास्ता कैसे रहेगा आम आदमी पार्टी का? आम आदमी का यही है कि
भोजन जितना हो सकेगा उतना मुफ्त में जो है जनता को मिलना चाहिए। भोजन जो है जीवन का एक हक है। कुठपर्यंत जाणार आहे कसं? मी माहीमपर्यंत जाणार आहोत, बँड्रापासून सुरू केलेला आहे कारण आम्हाला परवानगी तशी मिळालेली आहे। सर आता जर या मागण्या आहेत आपल्या मागण्या, पुढचं पाऊल कसं आम आदमीचं असेल काय? सतत आंदोलन चालू राहील। सामान्य माणसांच्या गरजा, सामान्य माणसाला भेडसावणारी महागाई जोपर्यंत कमी होत नाही, त्यांच्या गरजांकडे लक्ष दिलं जात नाही, आम्ही सामान्य माणसाचा आवाज उचलत राहणार। बघताय तुम्ही त्याच्यात फार भीषण परिस्थिती आहे, लोकांकडे पैसे नाही आहेत, लोकांकडे काम नाही आहे, अशा परिस्थितीत ज्या पद्धतीनं भाव वाढत आहेत सामान्य माणसानं जगायचं कसं? जगावं की मरावं हा प्रश्न आहे। इथे तुम्ही मोर्चा काढला आहे आम आदमी पार्टी पासून, काय विषय आहे मोर्चाचा त्याच्याबद्दल? आदरणीय उद्धव ठाकरेंना विनंती करतो, महागाई कमी करा, पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करा। ज्या मुद्द्यावर सेंट्रल गव्हर्नमेंट निवडून आलं, ज्या मुद्द्यावर स्टेट गव्हर्नमेंट निवडून आलं, त्या सगळ्यांना, त्या सर्व नेत्यांना हात जोडून आम आदमी पार्टीतर्फे विनंती आहे, महागाई कमी करा। सामान्य माणसाचा आवाज उठवायला आज विरोधी पक्ष महाराष्ट्रात नाही आहे, तर विरोधी पक्ष आम आदमी पार्टी आहे आणि जो रस्त्यावर उतरलेला आहे सामान्य माणसाच्या गरजांकडे लक्ष द्यावं। भाज्या, दूध, पेट्रोल, डिझेल, शाळांच्या फीज खूप वाढलेला आहे, हात जोडून विनंती आहे, कृपया हे सगळं कमी करा। उद्धवजींना हात जोडून विनंती आहे, शरदजींना हात जोडून विनंती आहे, बाळासाहेब थोरातांना हात जोडून विनंती आहे, सामान्य माणसाकडे लक्ष द्या।